कि आपको प्रूफ करते करते दिन चला जाएगा। आपका एक वोटर आईडी कार्ड में नाम गलत होता है तो कितना दिन लगता है सुधार करवाने में? डीजीएफ पे गलत आएगा, फिर डीजीएफ पे गलत आएगा, तो अगर एनआरसी या इस एनपीआर से बाहर जाए तब को आपको चक्कर लगाते लगा दिन चला जाएगा। क्योंकि मैं देखा हूं, मैं ढाका गया था, वहां पे एनआरसी के लिए वकील को पैसा दे के चार बनाया जा रहा था। मेरा बाप कहां से आया, कहां से गया? देख भाई, वो लोग तो हिंदुस्तान के नागरिक है, उसको आप बताना पड़ रहा है कि हम बाहर के हैं या यहाँ के हैं, उनको प्रूफ देना पड़ रहा है। तो उनको बताइए, सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे हिंदू भाई सबको होगा, सबको एनआरसी का पेपर देना है, पूरे हिंदुस्तान के हर लोग को एनआरसी का पेपर देना, हर लोग को। वो वही प्लेटफॉर्म पर खड़ा करेंगे जहां पे नोटबंदी के लिए खड़ा होता है। इसलिए हर लोग आप खुद जागरूक हो, दूसरे को भी जागरूक कीजिए। क्योंकि आप लोग पता है कि आप लोगों के बीच में दलित महिला भी आती है, बैठती है। क्यों बैठती है यहाँ पे? क्योंकि उनको पता है कि मेरी भी लड़ाई है, सबको पता कि मेरी लड़ाई है। तो ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है। इसे सब लोग एकजुट होकर लड़िए। अब बार बार मैं बोलता हूं कि सोशल नेटवर्क का सही जगह पर उपयोग कीजिए। आप अपनी आवाज सोशल नेटवर्क से ही भेज सकते हैं, गोदी मीडिया नहीं भेज सकती है। अपनी आवाज को सब लोग अगर फॉरवर्ड कीजिएगा तो आपकी आवाज वहां जाएगी जहां जहां चाहिए। तो मैं सब लोग से अनुरोध करता हूं कि आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पे आती है आप लोग इसको लड़िए। और लड़ाई लंबी है, एक दिन की लड़ाई नहीं है, दो दिन की लड़ाई नहीं है, लड़ाई बहुत लंबी है। मैं इसी के बाद अपने बात को खत्म करता हूं। क्रांतिकारी सलाम आप लोगों को। इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई, रमजान पहले से इनका हौसला बढ़ाए। हमारे बहुत ज्यादा हमारे भाई सिकंदर भी आएंगे और अपनी बातों को रखे। उनको आप बताइए कि लड़ाई आपकी है। मैं यहां से आवाज देता हूं दलित भाई को कि ये मंच आप तैयार कीजिए, हम आपके प्रोटेस्ट में आएंगे। क्योंकि ये उनके बातों पर मत जाइए। अगर उनके बातों में जाइएगा तो LIC में जो बैठे हुए स्टाफ उनसे पूछिए वो धरना पर क्यों बैठे हैं। ये इंडिया में जो थे उनसे पूछिए क्यों बैठे हैं। सब लोग का जॉब क्यों खत्म हो रहा है? जिनका जॉब खत्म उनसे पूछिए। वो नहीं बोलेंगे हम हिंदू है भाई, हम मुस्लिम भाई है। वो बोलेंगे हिंदुस्तान के हम नागरिक है और मुझे जॉब नहीं मिल रहा। ऐसे लोग हैं जो 8,000 का इंजीनियर 5 लाख 10 लाख रुपए खर्चा करता है, उसके फादर 10 लाख खर्चा करते हैं और उनको 8,000 का नौकरी नहीं मिलता इस देश में। नहीं मिल रहा, मैं गारंटी के साथ लिख के दूंगा, नहीं मिल रहा उसको। क्यों नहीं मिल रहा उनसे पूछिए। अमित शाह अपने बेटे को बैठाते हैं BBC का अध्यक्ष बनाते हैं BCC का, क्यों? दलित का क्यों नहीं? क्यों बनाते दलित का? बनाते हैं दलित का BCCI का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं। उनको इतना पता है कि वो अमित शाह का बेटा है, उनका सर्टिफिकेट सिर्फ अमित शाह है। जितने भी लोग हैं आर्मी जाइएगा, फौजी में सड़क पर लड़ाई कौन लड़ता है? आम इंसान के लोग। वहां पे आपको कोई नेता का बेटा नहीं मिलेगा फौजी के नौकरी पे। बॉर्डर पे कोई भी नेता का बेटा नहीं मिलेगा आपको। जो जानने में जो गोली चलाया उसको बेटा का कोई था? कोई नेता का बेटा नहीं था। तो वो नहीं चलाएगा, वो जाएगा लंदन पढ़ने के लिए, अमेरिका पढ़ने के लिए। वो आप लोग लड़वाएंगे अपने बेटा को बाहर करवा के उसी तक से बैठाएंगे। उन दलित भाई बताइए वो लोग को जॉब क्यों नहीं मिल रहा? आज बात करते हैं कि जॉब क्यों, जॉब उन लोग का तो बोलते हैं आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण रहेगा मगर वो प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा भाई। आज जो बोलते हैं हमको आरक्षण 2% है ना, वो भी नहीं रहेगा। क्योंकि क्योंकि आपका जो ट्रेन है वो प्राइवेट हो रहा है। जितना भी सरकारी चीज है वो प्राइवेट हो रहा है। तो वो आपके दलित भाई को आरक्षण नहीं लेगा प्राइवेट वाला, वो IIT BIT NIT का बच्चा को लेगा, ना कि वो जो रोड पे घूमते उनके बेटा को लेगा, आरक्षण को नहीं लेगा। क्योंकि वो प्राइवेट है, उससे आप नहीं लड़ सकते। क्योंकि पैसा दे के प्राइवेट किया है, उतना फंड उसमें लगाया है, तो वो
वैसे लोग बोलेगा जो साइंटिस्ट है, जो हाईटेक है इस देश के लिए, वो दलाल गुमराह कर रहे हैं उनको आप लोग बताइए, हर लोग बताइए। क्योंकि मैं बार बोलता हूं प्लेटफॉर्म सबकी लड़ाई है। एक बच्चा साहिल आपको बताया था कि मौलवी साहब की बीबी को भी वही जाना है जहां सब लोग जाएंगे। और